प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पी सकती हूँ ना मैं? पक्का भागूंगी नहीं। चक्र भी मैंने रचा है, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। वो तो है। क्या करने वाले हो अब? वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जब एक छोटी सी चींटी हाथी की सूंड में घुसकर उसकी नाक में दम कर देती है, ठीक उसी तरह ये छोटी सी चींटी बड़े से बड़े हाथी को पागल कर सकती है। और जब हाथी पागल हो जाए तो फिर वो किसी को भी मार सकती है। यस लेडी बिरबा। अब जैसे ही वो दोनों बालवीर अपनी माँ को ढूंढते हुए वहां पहुंचेंगे, वो इस इनोसेंट हथनी को मारने की गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो मैड एलिफेंट विवान को मारने की गलती जरूर करेगी। और क्योंकि ये मैजिकल एंट इस बेबी एलिफेंट की सूंड से बना है, इसमें सूंघने की और चलने की बिल्कुल एक हाथी जैसी शक्तियां हैं। और अब इसी सूंघने की शक्ति से वो जाकर इसकी माँ को ढूंढेगी और उसकी सूंड में घुसकर उसकी नाक में दम कर देगी। मैंने इन ड्रोन कैमरास को ऐसे डिजाइन किया है कि ये सिर्फ करुणा आंटी और मदर एलिफेंट की ही लाइव फुटेज हम तक पहुंचाएंगे। बहुत अच्छी, इससे तो हमारा काफी सारा समय बच जाएगा। नहीं 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 नहीं, समझती कि हम लोग अच्छे लोग हैं, हमारा परिवार किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। वैसे बुरी तो आप भी नहीं हैं, क्योंकि अच्छे लोग ही दूसरों को पानी पिलाते हैं। आप भी एक माँ होंगी ना, तो आप एक माँ का दर्द क्यों नहीं समझ सकती? क्यों आप मुझे दूर कर रही हैं मेरे बच्चों से? क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने आपका, जो आप उसे चोट पहुंचा रही थी? आप एक माँ होकर माँ की तड़प क्यों नहीं समझ सकती? क्या हुआ आपको?
वो नहीं करना आंटी। चलो बालवीर। अभी हमारे जाने का फायदा नहीं है। अगर हमें उस हत्ती को अपने वश में करना है तो हमें उसका बच्चा अपने साथ लेकर जाना होगा। विवान, हमें माँ के बारे में पता चल चुका है, क्या तुम्हें वो हत्ती का बच्चा मिल गया? नहीं भैया, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। विवान एक काम करो, तुमने उस हत्ती के बच्चे को देखा है ना, तो तुम उस बच्चे की स्मृतियाँ अभी के अभी अनन्या के दिमाग में भेजो। हाँ भैया, अभी ट्रांसफर करता हूँ। बेबी एलिफेंट की मेमोरी मेरे माइंड में क्यों ट्रांसफर करवाई है? ताकि तुम उन स्मृतियों को देखकर हूबहू उस हाथी को बच्चे को बना सको। हाँ, पर मैं लिविंग थिंग्स नहीं बना सकती। हमें जरूरत भी नहीं है। उस हाथी के बच्चे के जैसा दिखने वाला हमें एक पुतला ही चाहिए जो दूर से दिखने में जीवित लगे। ओके। तो चलो माँ को वापस लेकर आते हैं। ने दिल से बुलाया, बेटा आया। देवू। माँ, अब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवू, तुम और विवान हवा में उड़ रहे हो और ये हत्ती, इसे पता नहीं क्या हो गया है। ये अभी तक तो ठीक थी, अचानक गुस्से में मुझ पर हमला कर दिया इसने। देवू, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो चलो। माँ, मैं आपको ले जाने के लिए आया। मुझे मत देखो, उधर देखो। पूरी धरती को स्कैन कर लिया, लेकिन अब तक पता नहीं चला कि उस रे ने बेबी एलिफेंट को कहाँ छुपा रखा है। इसका मतलब ये है विवान कि उसने उसे सिर्फ छुपाया नहीं है, बल्कि ऐसा जादू किया है जिससे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर कैसे ढूंढे उसे?
एक तरीका है भाई परी। क्या विवान? माँ की आवाज, क्योंकि जब कोई मैजिक वर्क ना करे तब माँ की आवाज का मैजिक हमेशा वर्क करता है बच्चों पर। मतलब? मतलब ये कि मैंने मदर एलिफेंट की आवाज को सुनी है और अगर मैं वो आवाज निकालूं, फिर आप अपनी वायु शक्ति से उसे वायु की तरह पूरी धरती में फैला दो तो फिर वो आवाज बेबी एलिफेंट तक भी पहुंचेगी और जैसे ही वो अपनी माँ की आवाज सुनेगा वो अपनी माँ को पुकारेगा और फिर बेबी एलिफेंट की उस आवाज से हमें पता चल जाएगा कि वो बेबी एलिफेंट है कहाँ। हाँ विवान, ये युक्ति काम कर सकती है। और अब मैं इस आवाज को वायु में मिला के धरती पे फैला देती हूँ। मदर एलिफेंट को पक्का पता चल जाएगा कि ये उसका बच्चा नहीं है बल्कि उसके जैसे दिखने वाला एक खिलौना है। तो मैं इस पुतले में थोड़ी हलचल पैदा कर देता हूँ। अब ये उसे अपना बच्चा ही समझ रही है। कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है? हाँ? लगता है कि उसे पता लग जाएगा? पता नहीं, लेकिन माँ को यहाँ से सुरक्षित ले जाने का यही सही मौका है। चलिए आंटी। अरे ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? एक माँ को नकली बच्चा दोगे असली बच्चे की जगह? धोखा दोगे उसको? ये सही नहीं है। अरे माँ तो अंधेरे में भी अपने बच्चे को पहचान सकती है। लेकिन माँ, आप सही कह रही थी, उस माँ को सच पता चल गया। विवान, बच्चा अपनी माँ की आवाज सुनके उसे पुकार रहा है। वो किस दिशा में है भाई बरी? वहां उस दिशा में। ठीक है चलिए। बेचारा अपनी माँ से बिछड़ कर कितना तड़प रहा है। इसकी आवाज सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रो रहा है। ऐसा करके तो फिर विवान की दुश्मनी के भी लायक नहीं रहा। चलिए भाई परी, हम इस बेबी एलिफेंट को यहाँ से बाहर निकालते हैं। कोई बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाए ये विवान देख नहीं सकता। We'll be right back.
रे ने काफी मजबूत कवच लगाया है यहाँ पे, हमें साथ में मिलके शक्ति प्रयोग करना पड़ेगा। चलो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी माँ से मिलवाता हूँ। हाय विवान, कैसे हो? अब ये तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि अगर ठीक भी हो तो ज्यादा देर ठीक में रहने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों हमारा जादुई कवच तोड़ोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? लेके यहां से निकलो, मैं इसे संभालता हूं। चलिए करना जी। नहीं अनन्या, लेकिन वो उसका बच्चा, वो तो उसे नहीं मिला ना। उसको विवान ले आएगा, अभी इसके गुस्से से बचने के लिए हमें यहां से चलना ही होगा। चलिए। नहीं, जब तक उसे उसका बच्चा नहीं मिल जाता तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मां, अनन्या की बात मानिए, जाइए यहां से। मैं आपसे वादा करता हूँ, इसका असली बच्चा मैं वापस पहुंचा कर ही लाऊंगा। जाइए। आंटी, अभी उसके बच्चे के बारे में नहीं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? चलिए। देखो, तुम्हें भी पता है कि यहाँ क्या होने वाला है। मैं इस बेबी एलिफेंट को यहाँ से लेकर जाऊंगा, तुम मुझे रोकोगे, हम लड़ेंगे और हमेशा की तरह अपनी मुक्की खाएगा। छोटा बालवीर अपनी मुक्की खाएगा। ऐसा सोचना भी तुम सबके लिए हानिकारक होगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि टेक अ चिल पिल और ले जाने दो मुझे इस बच्चे को उसकी माँ के पास, इससे सबका टाइम बचेगा। अच्छी बात है विवान कि तुम टाइम सेव करना चाहते हो। आई एम सॉरी, पर मैं तो टाइम वेस्ट करना चाहता हूं।
पिछाई। अनन्या, तुम माँ को यहां से लेकर जाओ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। अरे अब तुम भी गए। बेबी एलिफेंट के पास पहुंचकर भी हम उसे रे और उसकी गैंग से नहीं बचा पाए, लेकिन अब चाहे रे कहीं भी गया, मैं एक बच्चे को उसकी माँ से दूर नहीं रहने दूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.